भाव से सुनने का लक्ष्य रखना। नहीं इकट्ठा रह सकता, मुझे सब कुछ चाहिए और मुझे शांति
शांति भी चाहिए, ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। और इसके लिए ज्ञानियों ने बहुत सुंदर चुनाव करने के लिए दिया। यदि आप चुनाव करना चाहते हो कि आई वॉन्ट पीस, यदि इसी का हम जो है एनालाइज करें, इधर उधर हम नहीं जाएंगे टॉपिक के, सिर्फ इतने शब्दों में रहेंगे, इसके अंदर कौन सा लक्ष्य आपका है? I want peace बहुत बार मुझसे बोला है, उसके भाव भी ग्रहण किए हैं। उसमें आपका लक्ष्य क्या है उस समय के लिए? पीस, मुझे क्या चाहिए? शांति, यानी शांति मेरा लक्ष्य है। और I क्या डिनोट करता है? मैं स्वयं। I यानी मैं स्वयं, मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। ये आपने अच्छे से रख लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, निर्धारित कर लिया है कि आई मीन्स मैं यानी कौन? नाम आपका। मैं से अभिप्राय पर्सनालिटी को नहीं पकड़ेंगे। मैं यानी पर्सनालिटी यहाँ पर नहीं है। मैं यानी अहंकार वाला मैं भी यहाँ नहीं है। मैं यानी यहाँ कौन है? अपनी आत्मा, मेरी आत्मा यानी निःशुद्ध आत्मा, इसके ऊपर वजन देना है। और पीस जो है वो मेरा लक्ष्य है। मुझे शांति चाहिए और उस शांति के लिए आई वॉन्ट पीस, ऐसा हम रटन करें, ऐसा हम मनन करें, तो क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना होगा? इसी में आप दिमाग लगाइए इतने से वाक्य में। आई वॉन्ट पीस, आई यानी मैं, पीस मेरा लक्ष्य। तो फिर बीच में क्या रह गया? वॉन्ट। ये वॉन्ट क्या है? वॉन्ट जो है वही हमारे पीस को क्या करती है? खत्म करती है। ये वॉन्ट जो है, ये अंदर की इच्छाएं जो है, यही हमारी शांति को भंग करती है। जो शांति का स्वरूप मेरा है उससे मुझे दूर ले जाने वाली ये डिमांड्स है, ये इच्छाएं हैं, ये आकांक्षाएं हैं, ये तमन्नाएं हैं। और इसलिए आज के टॉपिक को हम ये समझेंगे, आई वॉन्ट पीस, आई यानी मैं, पीस मेरा लक्ष्य, और वॉन्ट यहाँ पे अनवांटेड है। ये वॉन्ट जो है बिल्कुल अनवांटेड है। इसी के कारण आई और पीस दोनों मिल नहीं पाते, दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। आई और पीस को यदि हम चाहते हैं, आई इज इक्वल टू पीस, आई वॉन्ट पीस, ऐसा समझते हुए ऐसे से भूमिका शुरू होती है। उस व्यक्ति को शांति की इच्छा होनी शुरू होती है जिसको आगे चिंतन करने का बल मिल गया हो, जिसको आगे पुष्टि जिसके जीवन में हो गई हो कि शांति मेरे भीतर में ही है, शांति बाहर से मिलती नहीं है। शांति किसी व्यक्ति के नाम से कनेक्ट करने का नहीं है। कोई शांति बहन या कोई शांति भाई से ये शांति नहीं समझे। ऐसी शांति नहीं जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर ने एंट्री की और टीचर ने एंट्री करते ही बच्चों को ऐलान कर दिया कि सभी बच्चे शांति के साथ बैठ जाए। टीचर है और टीचर डिसिप्लिन चाहती है, और डिसिप्लिन के अनुसार उसने बच्चों को कह दिया सभी बच्चे शांति के साथ बैठ जाए। इतना बोलने की देर थी कि एक शरारती बच्चा खड़ा हो गया और उसने कहा, सर आज शांति आई नहीं है, आज मैं सीमा के साथ बैठ सकता हूँ, मैं आकांक्षा के साथ बैठ सकता हूँ। यानी कहने का अभिप्राय, शांति किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है यहाँ पर। शांति जो है स्थान विशेष की भी बात नहीं कि अमुक स्थान पे जाएंगे तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। मंदिर और स्थानक में जाएंगे तो शांति मिलेगी, यदि हिल स्टेशन जाएंगे तो शांति मिलेगी। यानी ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कि घर में बड़ी अशांति है, पहाड़ों में जाना चाहिए, गुफाओं में जाना चाहिए, यानी जंगलों में जाने की जो सोचता हो शांति के लिए। लेकिन ज्ञानियों ने कहा शांति का कनेक्शन स्थान के साथ नहीं है, शांति का कनेक्शन नाम साथ नहीं है। तो शांति का कनेक्शन क्या कोई वस्तु से है? जो वस्तु दी जा सकती हो और जो वस्तु ली जा सकती हो,
उसका कनेक्शन उससे भी नहीं है। यानी शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिया जाए और लिया जाए, क्योंकि देने की वस्तु नहीं है, लेने की वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कोई दे नहीं सकता? क्योंकि वो मेरे भीतर है, जो मेरे अंदर ही है उसे बाहर वाला व्यक्ति कैसे दे सकता है? कोई शास्त्र कैसे शांति दे सकता है? कोई गुरु कैसे शांति दे सकता है? शांति का उपाय बता सकता है, शांति का मार्गदर्शन दे सकता है, शांति स्वरूप तुम हो ऐसी वो स्पष्ट रेखा आपको समझा सकता है। लेकिन शांति दी नहीं जा सकती, शांति को ले नहीं सकता। और इसलिए कहा इस शांति को समझना है, क्योंकि शांति जब तक रॉन्ग वे में समझी गई है तब तक जो है हम कितना ही शांति के लिए क्रियाकांड कर ले, बाहर में कितने ही सेमिनार कर ले, विश्व शांति सेमिनार किए जाते हैं, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, उस दिवस को श्वेत कबूतर आकाश में उड़ाए जाते हैं, और न जाने ओम शांति वाले कितने जाप पाठ भी उस दिन होते हैं, लेकिन उससे शांति मिलेगी नहीं। तो क्लियर करना होगा, आई वॉन्ट पीस ये आपकी भावना, ये आपका लक्ष्य, ये आपकी इच्छा अनवांटेड नहीं है, ये इच्छा अनवांटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शांति आपका स्वरूप ही है। जो आपका स्वरूप है उसी का ही तो विचार आएगा, उसी की ही तो भूमिका बनेगी। पहली भूमिका तो यही बनेगी, मुझे शांति चाहिए। दूसरी भूमिका पर जब आप पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा आई वॉन्ट पीस और आई एम पीस उसमें क्या अंतर है, क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। और उस रहस्य को समझने के लिए हमें वॉन्ट शब्द जो बिल्कुल बीच में है, जो आई और पीस को मिलने नहीं देता, उसको हमने निराकरण करना है। और वो निराकरण कैसे हो सकता है? कि वॉन्ट शब्द जो है यानी इच्छा, वॉन्ट्स को कैसे समझेंगे? इच्छा, ये इच्छाएं क्या है? थोड़ा साइंस समझ ले इच्छा का। इच्छाएं सबके मन में होती है, और कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति की हम रट लगा लेते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाने के बाद भी हमें लगता है अमुक इच्छाएं और पूरी हो जाए तो मुझे शांति मिले। यानी ये समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात भगवान महावीर ने कही कि जो इच्छाएं आपकी हैं उन इच्छाओं का पूरा करने में आपको लगता है शांति मिलेगी, और जो इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हुई इसके कारण मैं अशांत हूँ, तो क्या आप अग्री करते हो? आप स्वीकार करते हो? आप इस बात को मानते हो कि इच्छा पूरी होने से शांति मिलती है? और इच्छा नहीं पूरी हुई तो अशांति रहती है? क्योंकि कहते हैं विषय ऐसा है जो सबका अनुभूत है, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, सबका अनुभव है कि जब कोई इच्छा आपके अंदर जागती है और इच्छा के जागते ही आपने बहुत बार देखा होगा आपके अंदर हलचल हो जाती है। एक हलचल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो इच्छा जैसे ही आपके अंदर थॉट में जागी, आपकी विचारों में आई, वैसे ही अंदर में एक हलचल हो गई। हलचल क्या हो गई? कैसी हलचल हो जाती है? इच्छा के जागते ही, हाँ इच्छा अंदर में जागी, उसके जागते ही इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? उसको पूरा करने के लिए ये न केन प्रकारें आप प्लानिंग करते हो, आप साधन जुटाते हो, आप साधनों के साथ जो है ये साधन राइट है या रॉन्ग है उसका पहचान करते हो, फिर प्रोसेस में लगते हो, फिर बताने की इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उन्होंने अपने नॉवेल के अंदर लास्ट पेज के अंदर एक बात इतनी अच्छी लिखी है जो भगवान महावीर के बिल्कुल एग्जैक्ट फिलोसॉफी उन्होंने लिख दी है। उन्होंने लिखा कि
इच्छा पूरी होने पर इस संसार के अंदर व्यक्ति सोचता है इच्छा पूरी हो जाए तो दुख क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं, मैंने जिंदगी के अंदर दो प्रकार के दुख देखे, दो प्रकार के दुख देखे हैं। नंबर वन का दुख ये है जो चाहो और ना मिले, ये तो अंडरस्टूड है, नॉर्मल बात है, जो चाहो और ना मिले वो तो दुख है ही, लेकिन जो चाहो वो मिल जाए वो भी क्या है, दुख ही है, वो भी दुख ही है। जो नहीं मिला था तो वो तो दुख है ही, लेकिन जो मिल जाता है तो रहस्य खुल जाता है। कौन सा रहस्य खुल जाता है? रहस्य ये खुल जाता है कि इसमें भी सार नहीं है, इसमें भी जैसा मैंने सोचा था इससे ऐसा सुख मिलेगा लेकिन मिला नहीं है, ऐसा समझ में तब आता है। लेकिन फिर यात्री चल पड़ता है आगे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर और आगे की ओर कि मुझे इससे सुख मिलेगा, मुझे उससे मिलेगा, ये नहीं मिला तो वो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना तो वैसा मिलना चाहिए। यानी ऐसी अंदर की जो क्रेविंग है, ऐसी अंदर की जो पकड़ है, उस पकड़ को कोई भी व्यक्ति जब तक समझेगा नहीं तब तक वो शांति से दूर है। तो आई वॉन्ट पीस ये दोनों को मिलाने के लिए ये इच्छा शब्द का अच्छे से हम विज्ञान याद रखें। इच्छा की पूर्ति जो है वो किसके उदय से होती है? इच्छा की पूर्ति पुण्य के उदय से होती है। इच्छा का जन्म किसके उदय से होता है? सोच के देना उत्तर। इच्छा का जन्म किसके उदय से होता है? इच्छा की पूर्ति पुण्य के उदय से होती है, लेकिन इच्छा का जन्म जो होता है, इच्छा जो उत्पन्न हो गई, चाहे वो कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, चाहे सपने में ही वो इच्छा पैदा क्यों ना हुई हो, जैसे व्यक्ति ने एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपनी बात रखी, एक समस्या रखी, और वो समस्या ऐसी है और वो समस्या उसकी ऐसी है, जिसको सुनकर के आपको हैरानी होगी। वो व्यक्ति कहता है, दो साल से मुझे रात को एक ही सपना रिपीट होता है, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम सपना हर रात को मुझे आता है, और मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ इससे मैं मुक्त हो जाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। और साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, क्या बात है, कौन सा सपना आता है? उसने कहा, और कुछ नहीं, मैं रोज देखता हूँ सपने के अंदर कि मैं पार्क में जाता हूँ, मैं पार्क में गया हुआ हूँ, और जिस बेंच के ऊपर मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, मेरे नजदीक ही एक व्यक्ति और आकर के बैठ जाता है, मेरे नजदीक में वो व्यक्ति इतना आकर के बैठ जाता है कि मेरा मन करता है मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूँ, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा है A1, उसका व्यक्तित्व देख करके मैं इतना प्रभावित हो जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं इसे संपर्क करूँ, मैं इसे बातचीत करूँ, और बातचीत के लिए जैसे ही मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, इतने में वो व्यक्ति वहाँ से उठ जाता है, बेंच पर से उठ जाता है और चल पड़ता है। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, संपर्क करना है, मैं उसके संपर्क में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूँ, और उस इच्छा से संपर्क करने की इच्छा मेरी इतनी बलवती है कि मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। वो व्यक्ति किसी एक घर में जाता है, और वो घर जो है वो जैसे ही अंदर एंटर करता है वैसे मैं तो बाहर रह जाता हूँ, और वो व्यक्ति मेरे को स्माइल दे करके ठप से क्या करता है, दरवाजा बंद कर देता है, और वही सपना मुझे क्या हो रहा है, 2 साल से आ रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा, इसका मतलब आपकी निद्रा को क्या करना पड़ेगा, कैसी निद्रा हो कि सपने ही ना आए,
शांत निद्रा हो, गहरी निद्रा हो, सहज निद्रा हो, तो आपको सपने नहीं आएंगे, वही सपना आपको परेशान करता है। तो उसने कहा कि बिल्कुल सही बात है, मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसा कहते हो वो सपना नहीं आना चाहिए, उसके लिए मुझे गहरी नींद के अंदर कहना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो सपना थोड़ा लंबा चले। क्या लंबा चलेगा? कि मेरा क्या हो जाए, उससे संपर्क हो जाए। उसने ठप से बंद कर दिया, हो सकता है बाद में खोले, फिर से खोले वो दरवाजा। ऐसा मैं सोचा करता हूँ, जब जाग जाता हूँ तो कहने का अभिप्राय, ऐसी हमारे अंदर में अनगिनत इच्छाएं हैं, लेकिन सारी इच्छाओं का जन्म जो है वो पाप का उदय है। याद क्या करोगे? कोई भी इच्छा जन्मे तो क्या याद करोगे? पाप का उदय है। कोई भी इच्छा आपकी अनायास पूरी हो जाए, प्रयास करने से पूरी हो जाए, तो क्या समझोगे? पुण्य का उदय है। ये मेरा पुण्य का उदय है, लेकिन पाप और पुण्य के उदय में ही आप रहोगे तो इससे आपका उत्थान कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी? शांति चाहिए तो इच्छा पूरी होने पे भी नहीं मिलती, इच्छा के जन्म लेने पर भी नहीं मिलती, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये शांति जो हमारी कहना चाहिए हमारे वैभव है, ये शांति मेरा कहना चाहिए स्वभाव है, ये शांति मेरा स्वरूप है, लेकिन उस शांति तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, क्योंकि बीच में इच्छाओं का जाल है, बीच में इच्छाओं का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि मैं आई पीस के पास जा नहीं सकता, आई और पीस मिल नहीं सकता, आई और पीस दोनों एक ही है, ऐसा मेरे को लगता ही नहीं। बीच में जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं स्ट्रांग हैं, और इसलिए इंग्लिश में इच्छा को क्या कहते हैं? डिजायर। बहुत सुंदर शब्द है, कभी आपने कभी इसके ऊपर चिंतन किया हो, कभी गौर किया हो, डिजायर शब्द कहता है, डिजायर शब्द कहता है, डिजायर इज इक्वल टू डिजीज, इच्छा रोग है। इच्छा नाम का रोग जिसको लग गया है वही जन्म मरण के रोग से पीड़ित होता है, यानी डिजायर इज इक्वल टू डिजीज, और डिजीज शब्द बताता है डिस प्लस इज, इसको विच्छेद कर दो, डिस प्लस इज, इज को क्या कर दिया, इसको खत्म करने वाला, आपकी जितनी सहजता थी उसको खत्म करने वाला वो कौन है, कौन है? डिजायर। ये इच्छाएं डिजीज बन करके आती है, ये इच्छाएं बीमारी बन करके आती है, और बीमारी जो है हमारी सहजता को खंडित कर देती है, ये बीमारी हमारे अंदर में पीस को खत्म कर देती है, यानी ना ईज रहता है ना पीस रहता है, इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा आई वॉन्ट पीस, यानी ये भी मेरी इच्छा है, ये भी क्या है, इच्छा है, आई वॉन्ट पीस भी एक इच्छा है। स्पिरिचुअल लोग जो हैं उनकी ऐसी इच्छा रहती है, लेकिन पहली भूमिका में इच्छा से ही काम होता है, क्योंकि मूल स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये इच्छाएं बड़ी कामयाब है, लेकिन आई वॉन्ट पीस इसको बात को समझने के लिए यदि हम चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं कम हो, मेरी इच्छाओं में ब्रेक लगे, मुझे इच्छाओं का इन्फेक्शन ना लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या उपाय बताया होगा ज्ञानियों ने, क्या उपाय ऐसा बताया कि हमारे अंदर वो इच्छाओं का रोग जो है, वो इच्छा रोग जो है इच्छा योग बने, इच्छा रोग ना रहे, इच्छा योग बने। इच्छा जब योग के रूप में आती है तब आप कहते हो आई वॉन्ट पीस, तब क्या कहोगे, आई वॉन्ट पीस यानी मुझे वाकई में शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं शांति स्वरूप वाला हूँ, मुझे शांति चाहिए, यानी ये भाव आते हैं जैसे किसी एक शोक सभा के अंदर, किसी एक ऐसे व्यक्तित्व की शोक सभा थी, एक ऐसे पर्सन की शोक सभा थी कि कहा जाता है जिसकी अंदर उस व्यक्ति के पास इतनी
इतनी क्वालिटीज थी, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, इतना उसने समाज के लिए कार्य किया हुआ था, और सब लोग जो है उसके बारे में माइक पे आकर के उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ न कुछ बता रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति जो सभा में बैठा हुआ था उसने कहा, इस शोक सभा के अंदर जितने स्पीकर्स हैं सारे लोग खड़े होकर के सारी बातें अच्छी अच्छी तो बताई, लेकिन सबने जो एंड किया अपना जो वक्तव्य है उसको जब एंड किया तो सबकी सेंटेंस सबके भाव एक बराबर थे। और वो भाव क्या थे, क्या बोला जाता है, यानी उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले ऐसी हम शुभकामना करते हैं, ऐसे भाव सभी ने व्यक्त किए। तो एक व्यक्ति को एक बात समझ नहीं आई और उसने उठकर के पूछा किसी से कि बात क्या है, जितने स्पीकर्स हैं वो अपना वक्तव्य इसी बात से एंड करते हैं, तो ऐसी क्या बात उस व्यक्ति में थी। तो उसने कहा, देखो उसके पास सब कुछ था, सब कुछ A1 था, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी, शांति नहीं थी। ऐसा सबको मालूम है, इसलिए सब उसके लिए कामना क्या करते हैं कि जहाँ ये जाए वहाँ क्या मिले, शांति मिले, जहाँ ये पहुंचे वहाँ उसे शांति मिले। तो कहने का अभिप्राय, ये शांति जो है जिसको हम पाना चाहते हैं और जिसके लिए हम कहते हैं मुझे पानी है शांति, शांति प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, शांति प्राप्त ही है। क्या है, प्राप्त ही है, आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है। इसलिए वर्ल्ड को हटा देंगे तो आज इस इक्वल टू पीस, यानी मैं ही शांति हूँ, मैं ही शांति का स्वरूप वाला हूँ, मैं शांत स्वरूप ही हूँ, ऐसा महसूस होने लगेगा। और उसको महसूस करने के लिए आई वॉन्ट पीस को आई एम पीस में ट्रांसफॉर्म करोगे, इसका सीक्रेट जानोगे। और सीक्रेट यही है कि यदि वॉन्ट हट जाए है, इच्छाएं हट जाती हैं, संकल्प शक्ति के द्वारा यदि आप इच्छाओं को कम करते हो, मंद करते हो, या फिर ऐसा सोचते हो, ऐसी इच्छाएं अनंत काल में अनंत बार मैंने पूरी की। कौन सी ऐसी इच्छा है जो मैंने अनंत काल में न हुई हो और ना पूरी की हो, है कोई, यानी इस बात को मानते हो ना, इस बात को मानते हो काल चक्र चल रहा है, संसार का चक्र चल रहा है, जन्म मरण का भी चक्र चल रहा है, कर्म का भी चक्र चल रहा है, और आज तक की अनादि काल की जन्म मरण की यात्रा में मैंने अनादि काल से अनंत अनंत इच्छाएं की है और अनंत अनंत इच्छाओं की पूर्ति भी की है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी इच्छा पूरी हो जाए, वैसी इच्छा पूरी हो जाए। इसका मतलब हमने अपने आप को नहीं समझा और हम इच्छा के पीछे पड़ गए। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि तू अपने को पहचान ले। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर चिंतन करके एक छोटी सी कहानी लिखी है, उस छोटी सी कहानी से आपको अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने मेरा स्वरूप नहीं समझा तो मैं क्या कर रहा हूँ। कहते हैं एक राजा के शयन कक्ष के अंदर एक चूहा आ गया। अब चूहा आ जाए तो नींद कहाँ आती है, उसे पता लग गया कि मेरे कमरे में चूहा आ गया है। बॉडीगार्ड्स को बुलाया, सारे अंगरक्षक इकट्ठे हो गए, सब मिलकर के प्रयास कर रहे, चूहा एक ही है, अंगरक्षक बहुत सारे हैं, लेकिन सारे अंगरक्षक थक गए, चूहा बाहर नहीं निकला। अब कहते हैं राजा को बहुत गुस्सा आया कि तुम अंगरक्षक किस काम के हो, तुम चूहा नहीं निकाल सकते। और कहते हैं राज सेवक आ गए, सारे महलों में जितने सेवादार थे सारे सेवक आ गए, सारे राज सेवकों ने मिलकर के चूहा भगाने का प्रयास किया, लेकिन चूहा नहीं गया। अब बड़ी आश्चर्य की बात, इतने लोग लगे चूहे के पीछे। अब आप देखिए
उस व्यक्ति ने, राजा ने सोचा कि अरे तुम भी नहीं निकाल पा रहे हो, सिपाहियों को बुलाओ। सैनिक लोग भी आ गए और सैनिक भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूहा नहीं गया, सेनापति से भी चूहा नहीं गया। आखिर सोचा करके राजा ने ऐलान कर दिया, राजा ने पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि जो इस चूहे को पकड़ेगा उसे मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। और कहते हैं दूसरे दिन चूहा पकड़ में आ गया। किसने पकड़ा? चूहा पकड़ में आ गया। बिल्ली अपने मुख में चूहा लेकर के दरबार में उपस्थित हो गई है राजा के सामने। उसने राजा के सामने यही चूहा है ऐसा जाहिर किया और कहते राजा को आश्चर्य हुआ। और राजा ने बिल्ली से वार्तालाप किया। उसने पूछा, बिल्ली तूने कैसे चूहे को पकड़ा? उसने कहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ याद किया कि मैं कौन, सिर्फ और सिर्फ मैंने याद किया कि मैं कौन हूँ और मुझे याद आ गया कि मैं बिल्ली हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मेरा स्वरूप ही ऐसा है और मेरी ताकत ऐसी है। और मेरी ताकत को मैंने जब मैंने धारा कि मैं बिल्ली हूँ तो मेरी ताकत भी वैसी आई और फिर जो है मैंने चूहे को पकड़ लिया। अब ये तो दृष्टांत, अब दृष्टांत से सिद्धांत कहाँ पे घटाएंगे बताओ? मैं शांत स्वरूपी आत्मा हूँ ऐसा यदि बोध हो जाए, ऐसा यदि समझ में आ जाए, ऐसा अंदर में उतर जाए, ऐसी मान्यता में बैठ जाए, ऐसी श्रद्धा में बैठ जाए कि मेरा स्वरूप तो शांत स्वभावी है, मैं शांत स्वरूप वाला ही हूँ, तो मुझे इच्छाओं की पूर्ति करने से शांति मिलेगी। उसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, इच्छा चीज अलग है, शांति चीज अलग है। इच्छा कर्म का रोग है, शांति मेरा वैभव है, शांति मेरी चीज है, शांति मेरा स्वरूप है, शांति जो है मेरी अक्षय है और मेरी शांति अनंत है। ये इच्छाएं मेरी शांति का भंग नहीं कर सकती। यानी अपने स्वरूप को याद करोगे तो आई वॉन्ट पीस को, आई एम पीस के अंदर कि मैं शांत स्वरूप ही हूँ उसको धारणा में लाओगे तो अपने आप ही आपकी सारी इच्छाएं जो है वो ऐसी हो जाएगी कि इसको पूरा करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे इच्छाएं पुण्य के उदय से पूरी होती है, आपके करने से नहीं होती, ऐसा भी नहीं आएगा। और इच्छाएं पूरी नहीं हुई मेरा पाप का उदय है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। तो इनसे ऊपर उठने के लिए शांत स्वरूपी हूँ उसकी भावना रखेंगे तो शांति जो है, जो मेरा स्वरूप है, वो बाहर प्रकट होगी इन्हीं पांव के साथ पहुंच। बहुत शांत चित्त से आपने बहुत अच्छी तरह से प्रवचन की धारा को श्रवण किया, तो आप सबका धन्यवाद। और आपने कितना ग्रहण किया, कितना स्मृति में रखा, कितना याद रखा, उसके लिए 5 मिनट में आपकी परावर्तना करा देंगे। प्रश्न आपसे पूछेंगे श्री अंतकृत दशांग सूत्र में से, या जल्दी से आई वांट पीस का पूछ लूँ ताकि भूल ना जाए आप, ऐसे करूँ? ऐसे कर लेते अगर आप ऐसा चाहेंगे और सब लोग उत्तर दे पाएंगे। श्री अंतकृत दशांग सूत्र में आज का जो टॉपिक आपने सुना श्री अंतकृत दशांग सूत्र में, श्री भगवान अरिष्ट नेमी स्वामी जी ने क्या देशना दी, उसमें से आपको क्या याद रहा? कोई दो वाक्य, कोई स्वरूप आप बता सकते हैं? आप चुनाव करना, चुनाव करना तो मुश्किल, इधर भी देख सकते हैं। ईशा बता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी शांत चित से अंदर में ग्रहण के इतना भी याद रहे, शरीर को जब भी देखो कौन सा शब्द याद आए, नौका, तो साथ ही नाविक, आत्मा, संसार,
समंदर है और कौन इसे पार कर सकता है। जिसके भीतर अंतर जिज्ञासा जागे वो ही इसे पार कर सकता है। सुंदर है। हाँ, आज जो आपको पुरस्कार मिलेगा उस किताब का नाम है जीना आए तो जिंदगी, और इसमें 25 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके जीवन में शांति का चैनल खोल सकते हैं। आई वॉन्ट पीस आपने सुना है, तो इसमें 25 समस्याओं का समाधान भगवान महावीर जी के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। दूसरा प्रश्न आई वॉन्ट पीस में से पूछते, इधर नजर करती हूँ मैं, सब लोग हाथ खड़ा करने का भाव रखना, अपने शब्दों में आप उत्तर दे सकते हो। आई वॉन्ट पीस में आपको शांति का मार्ग क्या समझ आया? पीस चाहिए ना, शांति का मार्ग आपको क्या समझ आया बताइए। आई एम पीस। आई एम पीस यानी आई वॉन्ट पीस करेंगे तो पीस आपसे क्या होगा, दूर जाएगी शांति। आई एम पीस का मतलब क्या है, भावार्थ क्या है इसका, मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, इसी के अंदर यदि हम पूछे आपको, इसी में क्वेश्चन पूछे एक, जो और कोई भी चांस ले सकते हैं, जो महाराज जी ने इच्छा का विज्ञान समझाया, इच्छा के बारे में जो स्वरूप समझाया, उसमें क्या दो या तीन बातें आपने क्या याद रखी रिगार्डिंग इच्छा? पीस के लिए तो आपको समझ आ गया, इच्छा के बारे में पूछना चाह रहे, इच्छा के बारे में पीछे भी। शांति नहीं मिलती, ये एक पॉइंट हुआ। और भी कोई पॉइंट बता सकेंगे, और भी कोई पॉइंट? तीन पॉइंट तो कोई भी बताए एक साथ, तीन पॉइंट बताने का भाव रखे। हाँ, इधर भी है। हाँ जी, डिजायर, इच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक है, डिजायर। और भी कोई याद आ रहा है एक पॉइंट? क्योंकि ये इच्छा ऐसी चीज है, एक पॉइंट से इसका उत्तर कंप्लीट नहीं होता, मिनिमम दो या तीन पॉइंट बताएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। सबसे लास्ट में जिन्होंने हैंड रेस किया, सबसे लास्ट में। नंबर वन, बहुत सुंदर। फिर इच्छा करे कि ना करे, अरे वाह बहुत सुंदर। या करने की जरूरत भी नहीं है, और जब पैदा हो इच्छा तो उसे ये मानने की जरूरत है कि इच्छा पाप का उदय है। बहुत सुंदरता से, कॉन्फिडेंस से जवाब दिया है आपने। बाद में अपना पुरस्कार लेते जाएंगे। तीन प्रश्न हो गए ना। दोपहर को 3 से 4 श्री कल्प सूत्र की वाचना में आज का विषय है। इधर देख के बोलूं मैं ज्यादा, ताकि और भी लोग आ सके। कोशिश करिए, आपके पास समय है, सभी के पास वही 24 घंटे हैं। यदि आपकी रुचि होगी तो आपके पास समय अवश्य निकलेगा। कल्प सूत्र में आज का जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर है, श्री महामंत्र नवकार के बारे में। जो आप जानते हो और जो रहस्य आप नहीं जानते हो, क्या विशेषता इसमें भरी हुई है नवकार महामंत्र में, और कौन से रहस्य का उद्घाटन कल्प सूत्र करता है, उसे सुनने के लिए अधिक से अधिक लाभ लेने का भाव रखेंगे। बहुत सुंदरता से कल भी प्रतिक्रमण हुआ है, आज भी होगा। जो कल नहीं आ सके, जो भाई लोग भी कल नहीं आ सके, वो भी आने का भाव रखेंगे। ठीक 6:30 बजे से प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाता है। जाप भी बहुत सुंदरता से चल रहा है, मगर बहनों का बिल्कुल प्रैक्टिकल समस्या थी कि जिनको शाम का भोजन करके फिर प्रतिक्रमण में भी आना है तो उनके लिए दिक्कत है। तो जाप का समापन 5 बजे जाप का समापन कर दिया जाएगा, ताकि सभी लोग समय से 6:30 बजे प्रतिक्रमण में भी लाभ ले सके। तपस्या के पचकान करेंगे, एकासन के पचकान। आज का पचकान, अष्टम प्रणाम, सर्वमानं पानं भोगनं च।
बचकान आज का उपवास उपवास के पचकान बेला है, बेला है ना, आज के दो उपवास बेले का पचकान तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आपको क्या पचकान है? व्यासना का पचकान और कोई पचकान किन्हीं ने लेना हो? तपस्वियों की अनुमोदना करेंगे, हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। इस ढाई द्वीप 15 क्षेत्र के अंदर जितने भी तपस्वीगण तप धर्म में अपनी शक्ति लगा रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के भाव से तपस्या का अनाहारक तत्व के साथ सेवन कर रहे हैं, उन सभी तपस्वियों के लिए अपने भीतर में शुभकामना का भाव भरते हुए उन सभी तपस्वियों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, उनका मन स्वस्थ रहे, उनकी आत्मा अपने में आत्मस्थ रहे, इस भावधारा में सभी तपस्वियों की लिए अनुमोदना के स्वर अनुमोदना अनुमोदना।